हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। देश के अन्नदाता की बात की जाए तो एक किसान जब अपनी फसल बोता है तो उसकी आंखों में हजार सपने होते हैं। किसी को बेटे की शादी करनी होती है तो किसी को महाजन का कर्ज चुकाना होता है। इस तरह के उसके अपने सपने होते हैं, मगर यह सपने उसी के सामने शीशे की तरह टूट कर चूर चूर होते नजर आए तो उस पर क्या बीतेगी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पूरा मामला जानने के लिए यूपी के फतेहपुर से संवाददाता इलियास खान की ये रिपोर्ट देखिए। मानपुर गांव के पास के खेतों में गेहूं की तैयार खड़ी फसल में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया और भारी मात्रा में फसलों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना ग्रामीणों ने 100 नंबर को दी। जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचती, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत पार आग पर काबू पा लिया था। बहरहाल सागजने की घटना के बाद किसान अपनी बर्बादी पर आंसू बहाता देखा जा रहा है। फतेहपुर से इलियास खान की रिपोर्ट। क्या है ये? हथगाम थाना क्षेत्र में खेतों में आग लग गई थी, वहाँ मानकपुर ग्राम है। तो सोमदत्त त्रिवेदी कॉलर एक है, उन्होंने ढाका फायर स्टेशन में सूचना दी कि हमारे खेतों में आग लग गई है, फायर टैंकर रवाना कर दिए। तो हमने तुरंत जो है तत्काल फायर टैंकर रवाना किया। गाड़ी हथगाम क्षेत्र पहुँच गई थी, लेकिन कॉलर ने बताया कि आग बुझ गई है, तो फिर हम लोगों ने गाड़ी वापस करवा दी। आग लगने का संदिग्ध है, कार्रवाई आगे की जाए। क्या नुकसान हुआ ये? ये सर आग लगने के बाद हमको जानकारी हुई, आग लग गई तो देखने आया तो सर यहाँ बगल में विजय सिंह खेत कटा था, वहीं से कहीं से आग लगी। कैसे लगी कंफर्म नहीं, हमने देखा किसी को नहीं। क्या नाम है आपका? बागीश द्विवेदी। आपके कितने बीघा खेत चले? ये हमारे बहनोई साहब के सर नाम है, सीलम बहन के नाम सीलम सना बाबूलाल, ये 7.5 बीघा खेत। आपका नाम? बागीश कुमार द्विवेदी।